दोस्तों प्लेइंग 11 से रोहित शर्मा हुए बाहर तो धोनी की हो गई एंट्री। जी हां, गंभीर ने चुनी टीम इंडिया की चौंकाने वाली प्लेइंग 11। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इस समय ब्रेक पर हैं। भारत की टीम 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज में एक्शन में नजर आएगी। लेकिन इसी बीच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की अपनी ऑल टाइम बेस्ट वनडे 11 चुनी है। इस टीम को चुनते समय गौतम गंभीर ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, जिसे सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे और आप एकदम दंग हो जाएंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा उनकी टीम में शामिल ही नहीं है। जी हाँ, जो वनडे फॉर्मेट के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक है। और तो और दोस्तों इतना ही नहीं, जबकि वह वनडे में 3 दोहरे शतक भी लगा चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गंभीर ने इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में दिया है मौका, तो आइए जानते हैं कौन कौन है टीम में शामिल। सबसे पहले गौतम गंभीर ने अपनी ऑल टाइम इंडिया वनडे 11 टीम में बतौर ओपनर वीरेंद्र सहवाग को जगह दी है। इसके अलावा उन्होंने खुद को भी इस टीम में बतौर ओपनर ही शामिल किया है, जिसके चलते महान बल्लेबाज रोहित शर्मा उनकी टीम का हिस्सा नहीं बन सके हैं। देन वही गंभीर ने तीसरे नंबर पर महान बल्लेबाजों में शुमार राहुल द्रविड़ को चुना है, जो अपने समय में भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। चौथे नंबर पर उन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चुना है। तो वहीं दोस्तों गौतम गंभीर ने पांचवें नंबर पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को जगह दी है। वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। गौतम गंभीर ने अपनी ऑल टाइम इंडिया 11 टीम छठे नंबर के लिए युवराज सिंह को शामिल किया है। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी गंभीर की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गंभीर ने धोनी को 7वें नंबर पर रखा है, और साथ ही साथ गंभीर ने अपनी टीम में 2 स्पिनर और 2 गेंदबाजों को भी जगह दी है। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अनिल कुंबले और रविचंद्रन अश्विन को भी गंभीर ने बतौर स्पिनर अपने टीम का हिस्सा बनाया है। वहीं इरफान पठान और जहीर खान इस टीम के 2 तेज गेंदबाज हैं। बता दें दोस्तों कि गंभीर ने अपनी टीम में जसप्रीत बुमराह को भी जगह नहीं दिया है, और ना ही वनडे वर्ल्ड कप 1983 जीतने वाली टीम के किसी भी खिलाड़ी को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या महान बल्लेबाज रोहित शर्मा और फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के बिना गौतम गंभीर की यह प्लेइंग 11 सफल हो पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।